जो लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो करते हैं और हमारा चैनल देखते हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे पास दो गाड़ियां थी। एक हमारे पास ब्लू कलर की XUV 500 है और एक हमारे पास थी पर्पल कलर की रैपिड, जो हमने बेच दी है। उसकी जगह हमने खरीदी स्कॉडा की ऑक्टाविया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ ऑल दी कार्स हमने स्कॉडा ऑक्टाविया ही क्यों खरीदी, और हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा प्रोजेक्ट, ये गाड़ी हमने बनाई कैसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो पूरा जरूर देखिएगा। कार्स 24 गोडाउन, वो लॉन के पास है, वो जो वागोली में क्या नाम, महालक्ष्मी लॉन्स, महालक्ष्मी लॉन के पास। जब 9 की माइलेज ही चलानी है तो ऑक्टेविया या सुपर्ब क्यों नहीं चलाए। कौन है इधर? मेरे को पहले गाड़ी देखनी थी, आपके उसमें लिस्टेड थी, यहाँ पे दिखा रहा था। तो भाई कितनी गाड़ियां हैं, कितने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है इनके पास। 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। हमारे पास जो दोनों गाड़ियां थी वो दोनों की दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन थी, और क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमारे पापा का नी का ऑपरेशन हुआ था, तो हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी ले लेते हैं, ताकि उनको भी डे टू डे गाड़ी चलाने में थोड़ी कन्वीनियंस हो। हम जब गाड़ी देखने निकल रहे थे तो हमें ये तो पता था कि हमने यूज्ड कार लेनी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इट मेड फाइनेंशियल सेंस वैल्यू वाइज, और हमें अपने टेस्ट के हिसाब से गाड़ी को बनाना भी था। ये रही सुपर्ब, तो ये तो रहेगी 18-20 लाख की, 16 लाख भैया। दिवाली डिस्काउंट नहीं है 50%। मेरा हमेशा से मन रहा है कि फैमिली में एक लग्जरी गाड़ी तो होनी चाहिए, तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा लीन कर रहा था टुवर्ड्स ऑडी की A6। हमें 2013-2014 का मॉडल जो है वो अबाउट 13-14 लाख के आसपास मिल रहा था, पर क्योंकि जनरली लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की मेंटेनेंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव जाती है, तो हमने आपस में डिस्कस किया और ये सोचा कि मिड सेगमेंट की कार्स भी एक्सप्लोर करते हैं। और हम थोड़ा सा अलाइंड थे जर्मन कार्स की तरफ, क्योंकि हम स्कॉडा चला रहे थे तो हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस उन कार्स के साथ बहुत अमेजिंग था, तो हमने ऑक्टाविया, सुपर्ब और ऐसी इस रेंज की और गाड़ियां भी एक्सप्लोर करी। दिखती कितनी प्यारी है वो देखना यार। भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, थोड़ा जोर से, इतनी जोर से तो उंगली टूट जाएगी। चलाने में सही है एकदम, बट कुछ एसी के अंदर ना कुछ ब्लॉकेज है, या कुछ कोई जैसे सीटी की आवाज आ रही है वहां से, बाकी गाड़ी में कुछ ऐसी आवाज वगैरह नहीं है। यार स्पोर्ट्स में तो बहुत लैग आ रहा है। कितनी डिटेलिंग की जरूरत है यार ये गाड़ी को। यार इतनी गंदी कौन रखता है गाड़ी, वो टेस्ट ड्राइव में भी निकलती है ना तो हो जाती है, पर कुछ टूटा फूटा नहीं है गाड़ी में एक्सेप्ट एसी वेंट्स, डोर पैड्स वगैरह ये वो भी कहीं कोई दाग नहीं है, जॉइंट भी गया है उस टर्न करने पे ना कड़कड़ 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 आवाज आ रही है। साल देखियो टायर का दिख रहा है, 2019 का टायर है, तो टायर क्यों बदली किया अगर 24,000 चली है। फिर भी गाड़ी में कुछ ना कुछ ऑफ ही लग रहा है मेरे को, तो वो ऑक्टाविया ही ठीक लग रही है। प्राइस राइस ये वो सब उस हिसाब से ऑक्टाविया ही देखते हैं। ठीक है, यूजुअली जब हम सेकेंड हैंड गाड़ियां देखने जाते हैं तो गाड़ियां काफी ज्यादा चलाई भी होती हैं, और बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को अच्छे से रगड़ भी देते हैं। और हम भी जब गाड़ियां देखने निकले थे तो हम अपना वो बिजनेस वाला मेंटालिटी लेके गए थे, हर गाड़ी में छोटी छोटी फॉल्ट्स ढूंढ रहे थे, तो हमारे लिए भी कोई भी गाड़ी फाइनल करना मुश्किल था। बट आफ्टर टेस्ट ड्राइविंग अ कपल ऑफ कार्स हमें वो ऑक्टाविया सबसे सूटेबल लगी। गाड़ी की कंडीशन भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और रन भी कम थी और उस पर खर्चा हमारे हिसाब से कम था, तो वी डिसाइडेड विल मूव अहेड विद ऑक्टाविया इटसेल्फ। Gaurav is my father. हेलो हेलो। छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह लगने वाले हैं गाड़ी में, बट वैसे ठीक है। क्या पार्ट्स लगने वाले? उधर क्रोम बिट ये डैमेज है, इधर वाला भी रिप्लेस करना है, थोड़े डेंट्स वगैरह वो तो हम पेंट कर देंगे, पर वैसे काफी क्लीन है। रैपिड से बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ठीक है, बढ़िया है, चलो पेमेंट आ गई ना कल इनको। हाँ, पेमेंट दे। एक टाइम होता था जब फर्स्ट बाइक ली थी ना, आज चाहिए मतलब आज चाहिए गाड़ी, सबके साथ ऐसा होता है। कौन सी, कब फर्स्ट? पल्सर हम लोग ब्लू लेने गए थे। हाँ। वो बोला ब्लैक है, बोला आज ही चाहिए, ब्लू मिले ना मिले जो मिले, धीरे धीरे पेशेंस आ जाते हैं। बाद में जब लिया था। हाँ। अच्छी लगी? हाँ, बढ़िया बढ़िया।
किस्मत से जो हम रैपिड बेच रहे थे वो भी 2014 का मॉडल थी, और जो हम ऑक्टाविया खरीदने वाले थे वो भी 2014 का मॉडल थी। हमारी गाड़ी 65,000 किलोमीटर चली थी और ये ऑक्टाविया भी 65,000 किलोमीटर चली थी। दोनों ही टॉप मॉडल थी अपने सेगमेंट की, और क्योंकि दोनों सेम ब्रांड की थी तो हमारे लिए कस्टमर एक्सपीरियंस भी उतना बहुत चेंज नहीं हुआ। गाड़ी की फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम थे और ड्राइविंग प्लेजर भी ऑलमोस्ट सेम था। इंडिकेटर लेफ्ट साइड में था। हाँ, इंडिकेटर लेफ्ट साइड में था। जो लोग दोनों गाड़ियां चलाते हैं उनको समझ में आएगा लेफ्ट और राइट इंडिकेटर की कितनी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ ही हो जाती है, अभी एक्सयूवी में इस साइड है, ऑक्टाविया में इस साइड है, हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमारे लिए ट्रांजिशन करना रैपिड से ऑक्टाविया बहुत इजी था, एंड आई थिंक वी मेड अ वेरी गुड चॉइस। राइट, जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ वो ये है कि एक बहुत मिनिमल अमाउंट में हम परफॉर्मेंस एंड स्पेस के मामले में बहुत अच्छा अपग्रेड कर पाए। ने एकदम बार्गेन डील ढूंढी, बहुत अच्छी डील ढूंढी, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। इस डील की सबसे बढ़िया चीज मुझे वही लगती है कि ज्यादा पैसा खर्चे किए बगैर हम एक छोटी गाड़ी से एक बड़ी गाड़ी में शिफ्ट कर पाए। ये मेरी फेवरेट है मैक, और ये मैंने बहुत चलाया है। मैं और मेरे फ्रेंड के पास था, ये था मैक था, दोनों थे उस पर, उसी में हम लोग घूमते थे। देख मेरा फेवरेट लैम्ब्रा, इसके जैसा स्कूटर नहीं है। एक बार में इसमें 250 किलोमीटर गया हूँ सीधा। वो उस टाइम के हिसाब से अच्छा था, अब नहीं है। साला जब साइकिल नहीं खरीद सकते थे तब ये मिला हुआ था, तो लग्जरी मेरे लिए तो रोल्स रॉयस हुई ना भाई उस टाइम में। सही बता रहा हूँ, इसकी जैसी ड्राइविंग है ना किसी स्कूटर की नहीं है। गाड़ी डिलीवरी लेने जाने तक हमने पापा को इस गाड़ी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं था, और हम थोड़े से स्केप्टिकल थे कि पापा इस गाड़ी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बल्कि जब तक हम गाड़ी देख भी रहे थे तो पापा थोड़े से अगेंस्ट थे कि तुम क्यों खर्चा कर रहे हो और ये वो, बट जब उन्होंने एक बार ये गाड़ी एक्सपीरियंस करी और सामने से देखी तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद इट। एंड जब हम गाड़ी वापस ला रहे थे वर्कशॉप पे, हमने पहले सोच लिया था कि इसमें काम वगैरह तो करना है, बट ये नहीं सोचा था कि वर्कशॉप में घुसते साथ गणेश चालू हो जाएगा, सर लिस्ट बनाते और क्या क्या काम है गाड़ी पे। गणेश आके, सर रिफ्लेक्टर टूटा हुआ है, ये निकला हुआ है। मैं कहा तू अभी लिस्ट बना पचास। मैं उधर क्या बोला, क्या? मैं बोला गणेश अभी बोल रहा होगा सर ये डैमेज है पेंट करानी है गाड़ी। पर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम। अच्छा सुन, इसका पार्ट्स का लिस्ट एक बनवा दे, स्कोडा में ऑर्डर डाल देते हैं। क्रोम पट्टी भी ये देखिए वाली भी उठी हुई है, ये भी बदलना पड़ेगा। थैंक यू। और मिरर एक बार आलम को दिखाना है, मिरर कट वो कर रहा है थोड़ा सा। इधर की जो बॉनेट की रॉड रहती है उसका रबर नहीं है, माउंटिंग जो रहती है कॉर्नर में इंजन की इधर का रबर नहीं है। फुल टैंक करा दिया, मैं अभी तो है टाइम करवा। चला एक चक्कर काट के आते, चल मिरर का देखना पड़ेगा, मिरर अटक करे। वेंट्स टूटे हुए हैं गणेश, वेंट्स ऑर्डर देने, बाकी काफी नीट है, क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी एक बार, बढ़िया हो जाएगा। सीट भी नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी फटी वटी नहीं है, थोड़े बहुत दाग है पर चल जाएगा। अच्छा एक बार कूलिंग चेक करनी पड़ेगी इसकी, वैसे तो हो रहा है पर उतना ठंडा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अच्छी लगी? हाँ। गाड़ी के एक बार अच्छे से टेस्ट ड्राइव होने के बाद हम लोगों ने पूरी पार्ट की लिस्ट तैयार कर ली और स्कोडा में ऑर्डर डाल दिया, और गणेश को क्लियरली बोल दिया कि भाई अब गाड़ी का काम शुरू कर दे। सारे दुनिया भर के कलर जो हैं वो देख लिए एक बार, राघव और पापा की सलाह भी ले लेता हूँ। लाइम एसेंस और कल जो लैम्बोर्गिनी का ऑरेंज जो मेरे को अच्छा लगा था, ये बेटर। जितने कलर मारते जा रहे हैं ना वो अच्छे अच्छे और कलर निकलते जा रहे हैं। रेसिंग है। पर देखना कितना अच्छा मेटालिक इफेक्ट है और बहुत लाइट ऑरेंज है। तो ये बहुत डिफरेंट है यार, ये भी बहुत डिफरेंट है। ये टोन मिलती नहीं है तुम्हें, वो ये हमें भी कोई प्रोवाइड नहीं करता, ये फिर भी गाड़ियों में आते हैं ऑरेंज कलर। पहले हमने सोचा था ये करेंगे। जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी वो अब शुरू हुई, और वो था कि गाड़ी पर कलर कौन सा करना है। हम लोग कलर्स के साथ बहुत सारे कीड़े तो करते रहते हैं। मैंने एक लैम्बोर्गिनी का कलर देखा था, अरांसियो बोरालिस, जो कि एक ऑरेंज कलर है,
बहुत लाइट कलर था, बहुत सुंदर कलर था और मेरा मन कर रहा था कि उसी कलर से अपनी गाड़ी को पेंट करें। हमने BMW का आइल ऑफ मैन ग्रीन भी देखा था, हमने BMW का मिंट ग्रीन भी देखा था, बट मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा पोलो का मॉडिफाई करके, और उसके लिए कलर सिलेक्ट करके रखा हुआ था एस्टन मार्टिन का लाइम एसेंस ग्रीन। तो हमने सोचा चलो वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक सेडान है, सरफेस एरिया बहुत अच्छा है, तो हमें लगा ये कलर इस पे भी बहुत सुंदर लगेगा। तो बहुत हफ्तों तक आई थिंक पापा मेरी और भाई की डिस्कशन होती रही और हम बहस करते रहे कौन सा कलर फाइनल करेंगे, बट किसी भी प्रोजेक्ट का वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है, बट हमने इंजॉय भी किया और फाइनली वी केम अप विद अ कलर वेयर वी डिसाइडेड वी विल गो अहेड विद लाइम एसेंस। कलर चेंज का पूरा बना दिया है, कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर टू लाइम एसेंस, फॉर्मूला गणेश ने भर दिया है, हां वो सब डिटेल डाल दिया है। Lime Essence. हम लोग हमेशा क्लाइंट्स को बोलते रहते हैं कि जो एक सिलेक्शन कर लिया है उस पे टिके रहो, बट टू बी ट्रूथफुल हम लोग भी बहुत कंफ्यूजन में डगमगा जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कलर देख के और सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे, इतने सारे कलर अच्छे देख के हमारा भी दिल डोल जाता है कि कौन सा करें फाइनली। पार्ट्स का सारा ऑर्डर गणेश ने डाल दिया था, मैं हर्षल और सौरभ गए फिर स्कॉडा सारे पार्ट्स का पेमेंट करने के लिए, और हमें मिलने वाले थे पार्ट्स एक हफ्ते बाद। मैंने जितने डीलरशिप्स देखे हैं ना, मैंने डिज़ाइन ऐसा देखा है, बीच में स्टोर रहता है, ड्राइवर रहता है, पीछे वर्किंग रहता है, आगे वर्किंग रहता है, तो क्या होता है दोनों तरफ से अप्रोच करना आसान हो जाता है। पी नंबर 35,000, यस थैंक यू। ऑर्डर का उन्होंने दिया था वो आपके पास है, चल पार्ट्स का ऑर्डर दे दिया है, एक एक करके काम खत्म करने का। हम लोग जब भी कोई गाड़ी बनाते हैं, चाहे वो क्लाइंट की हो चाहे खुद की हो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि गाड़ी बनाने के लिए जो भी सामान लगने वाला है वो पहले हाथ में सारा होना चाहिए। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम एक तरीके से अपने फादर को गिफ्ट ही कर रहे थे, तो हमने सोचा था गाड़ी एकदम प्रिस्टीन और परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए, इसलिए पार्ट्स भी चेंज करने में कुछ भी करने में हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी। और पार्ट्स एक बार आ जाने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप था इस गाड़ी का आगे का रिपेयर वर्क और पेंटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाने का। ये सारा प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, सेकंड एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव।